सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। शलके दीर्घ शिवोवाच देवी तं भक्तशलके सर्वकार्याभिधायने कलाधिकार्य सिद्ध्यर्थम् अवायं ब्रूहि यत्नतः देव्योवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कला सर्वेश साधनम् मया तवेव स्नेहेन ब्रह्मा सुधीः प्रकाश्यते ॐ अस्य श्रीदुर्गा सप्तशलोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनष्टमछन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यादेवता श्रीदुर्गामित्यर्थम् सप्तशलोके दुर्गा पाठे विनियोगः ज्ञानिनामभिचेतांसि देवी मण्डलती सा बलादाग्रेशमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषयन्तः स्वस्ते स्मृता मतिमतेव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे द्रम्भके गौरे नारायणे नमस्तुते शरणागतदीनार्थपरित्राणपरायणे सर्वशान्तिहरे देवि नारायणे नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ते समन्विते वयमश्राहिणो देवि दुर्गे देवि नमस्तुते रोगाण शेषानपहंसदुष्टा रुष्टात् कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितानाविपन्नराणाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति सर्वबाधाभ्रजमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयागार्यम् अस्मद्धैर्विनाशनम् ॐ श्री दुर्गायै नमः श्रीदुर्गस्तोत्र शतनामस्तोत्र ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलाङ्गणे यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सति ॐ सति साध्वी भव प्रीता भवानी भव मोचनी आर्या दुर्गा जया चाध्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपा चिताचितिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावति अटाम्बरपरिधाना कलमञ्जीरञ्जनी अमेय विक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी
वन दुर्गा च मातंग मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी चंद्र कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराहे लक्ष्मी च पुरुषाकृति विमला दर्शनी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिता बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हनने महिषासुरमर्दने मधु केतवहंत्रे च चंडमुंड विनाशने सर्वासुर विनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारणी तथा अनेक शास्त्र हस्ता च अनेक अस्त्रस्य धारणी कुमारी जय गगन्या च केशोरी युवती यदि अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदयी मुक्तकेश गौररूपा महाबला अग्निज्वाला रुद्रमुखे कालरात्रे तपस्विनी नारायणी भद्रकाले विष्णु माया जलधरे शिवदूते कराले च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जा इदं प्रभते नित्यं दुर्गा नाम सदा जगम् नासाध्य विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायम् अयमस्त्रिमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वती कुमारीं भोजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठे नाम सदाशकम् तस्य सिद्धे भवे देवे सर्वे सुरवरेरपि राजानो दाददां जान्ते राजा श्रियमवाप्नुयात् गौरोचनालब्धकुङ्कुमेन सुन्दरगर्भोरमधुत्रयेण विलज्ञयन्द्रां विधिना विलज्ञ भवे सदा धार्यते पुरारिः भौमावास्या निजामग्रे चन्द्रे जलविषां गते विलख्या प्रभुते सोदां सवे सम्पदां पदा प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ विभूति के दरबार में अभिनंदन सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ विभूति की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ विभूति की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं माँ का नाम स्मरण करते हैं माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपकी सुख समृद्धि के लिए आपके अवधि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में
सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते ही उनका यश उनका मान उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होती है, दीर्घायु को प्राप्त होती है, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण राज्य का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणान भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अञ्जन्या सोक्तमातरो बीजम् दिगबन्धदेवतास्तत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशतीपाठाङ्गत्वेन जपेर्विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जगद्गुरुं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां जनकस्य आख्यातं धर्मेण लोहे पितामहः। ब्रह्म उवाच अस्य गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तु कवचं पुण्यं दक्षिणश्च महामुने प्रथमं जलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रखण्डेति कुलपाण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्रे च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे भीष्मे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः। नादेशं जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठ भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धिर्जायते जेत्वां सुनन्ति देवेशे रक्षसेतान संशया प्रेतसंसाधु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सुगवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपदा देवी ईश्वरी वृषवाहना रामी हंस समारूढा सर्वावरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोग समन्विता नानावर्णयोवाढ्या नानारत्नोपयोगिता दृश्यन्ते रथमारूढा दिव्यः क्रोध समाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिम् अलं च मुसलायुधं केरकन्दोपरं चैव पश्यं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभिहाय च धारयन्त्यायुधानित्थं देवानां चहिताय वे नमस्ते अस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि राहि मां देवि दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धिनि प्राचां रक्षत मामेन्द्रे अग्ने रामग्निदेवता दक्षिणेव तु वाराहि नैरित्यं खड्गधारिणि प्रदीचां वारुणि रक्ष वायव्यां मृगवाहिनि उदीचां वादु कौमारि ईशान्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि निरक्ष ततस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहन जया मे जागृता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता पामराश्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखा मध्योदने रक्ष उमामूर्ति व्यवस्थिता मालाधरे ललाटे च भ्रुवो रक्ष सुशस्वने त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये जमघण्टा च नासिके शङ्खणे चक्षुषोर्मध्ये ज्योत्रयोर्द्वारवासिनि
नासिकायां सुगन्धा च उत्तरशेषिकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तानक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाख्ये शुभकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनोधरी नीलग्रीवा वै कण्ठ नलिकां नलकोभरि सन्धयो खड्गनी रक्ष बाहु मे वज्रधारिणी हस्तोर्धनी रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नकाशुलेश्वरी रक्ष कुक्षो रक्षे कुलेश्वरी तनो रक्षन् महादेवी मनाशोकविनाशिनि हृदय ललिता देवी उदरे चोरधारिणि नावोचकामणि रक्ष गुह्यं गुहेश्वरी तदा भूतनागामि गामेढं गुदेमहिजवाहिणि कटी रक्ष जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिणि गुल्भयोर्नारसिंहे च पादभिश्च दुतेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनि नखान्तश्चाकराली च केशाञ्जेवध्वकेशिनि रोमकोपेषु कौवेरि त्वचं भागेश्वरी तथा रक्तमज्जा वसामास न्यस्ति मेधांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रे च पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावती पद्मङ्गोचे कफे चूडामणिस्तदा ज्वालामुखीन गज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिजो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छायां क्षत्रेश्वरी तदा अहङ्कारं महाबुद्धिं रक्षन् मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभन रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च जोगिणि सत्त्वमृजस्तमस्येव रक्ष नारायणी सदा आजो रक्षतु पारायि धर्मं रक्षतु वैष्णवी दशा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशु मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्ष महालक्ष्मीर्वायां रक्षतु भैरवि दण्डानां सुभदा रक्ष मार्गं केमगरे तदा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु जस्ताणं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु जदिच्छेषु महात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः जं जं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मधुरं प्राप्स्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्य सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेद्भोज्य कवचेनावृतः पुमान् इदं दूतेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यापठे द्वैतो नित्यं त्रिसन्ध्यं शुभ्यान्विता देवी कलापवेदस्य त्रैलोक्येषु पराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधया सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभिजद्विषम् अविचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराः केचरा चैव जलजोदेशिका सहजा कुलजामाला डाकनी चाकनी तदा अन्तरिक्षचराघोरा डाकन्यश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचश्च चक्षुर्गन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसमेधालः कूष्माण्डवैरवादयः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचेरिति संस्थिते मानो निर्वेदाख्यस्तेजो वृद्धिकरं परं जलसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जले सप्तशतिं जण्डं कृत्वा तु कवचापुरा यावद्भूमण्डलं दत्त सशलामनकाननम् तावति स्थितिमेदिन्यां सन्तते पुत्रपौत्रके देहान्ते परमंसानं यसुरेरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायावृतासुतः लभते परमं रूपं शिवेन समोदते अथ अर्गलास्तोत्र ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णो ऋषिः
अनुष्टुभ छन्दः श्री महालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा हृदये सप्तशती पादाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शुभादात्रे स्वाहा सदा नमस्तु ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवे कालरात्रे नमस्तु ते मधुकैटवभित्राभि विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि रक्तबीजापते देवि चण्डमुण्ड विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि शुम्भसेवनि शुम्भस्य धूम्राक्षस्य वर्धनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि भण्डिताङ्ग्रयुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि नदीभ्यः सर्वदा वत्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि स्तुवद्भ्यः भक्तिपूर्वद्वा चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं जयत्वा भर्तयन्ते भक्तितः रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि दुषितां नाशं विदेहि वरमुच्चके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि सुरासुरशिरोरत्न निकृष्टचरण्यम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं दशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं गुरु रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यधर्वणे चण्डिके प्रमदाय मे रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संसुधे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि कृष्णेना संसुधे देवे षड्वक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि हिमाचलसुधानाथ संसुधे परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सदभाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड गौदण्ड दैत्यदर्पविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनो धाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जहि पदने मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसन्धार सागरस्याकुलश्रवम् इदं स्तोत्रं हरित्वा तु महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशती संख्या परमापनोति सम्पदा अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुभछन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतदियानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽभिक्षेमम् वाप्नोति सततम् जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्तु चाटनादीनि वस्तूनि सकलानपि
एतेन तु तां देवे स्तोत्र मात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रोऽजदं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्रानपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कानि मामर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम् स्तोत्रमेजण्डिकायासु तच्च गुप्तं चकारस समाप्तिना च पुण्यस्य तां च दावे नियन्त्रणाम् स्वविषयमम वाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्यम् अष्टम्यां वा समाहिता ददाति प्रति गृह्णाति नान्यदेशा प्रसीदति इत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्किलां सदायिनां नित्यं जपति संस्फुटम् सा सिद्धा गणासोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाभ्यर्थस्य भयं क्वापि हजायते नापमृत्युपशं जाति मृदो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य गुरुवेद न गुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्भवनामिदं प्रारभ्य देवदेहि सौभाग्यञ्च दृश्यते ललनायने तत् सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शुभम् शनैः तु जाप्यमाणस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यके भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ईश्वरं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदा शत्रुहानि परमोक्षस्तूयते सा न किं जने ॐ श्री महिषासुरमर्दने स्तोत्र गिरिनन्दनिनन्दतमेदनविश्वविनोदनिनन्दनुगे गिरिवरविन्दविलासनिलासनुगे समते भगवति हे श्रुतिकण्ठकुटुम्बनिभूरिकुटुम्बनिभूरिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि कन्यकवरदनि चलसुते दुर्बर बर जनि दुर्दर दर जनि दुर्मुख मर जनि हर जरते त्रिभुवन भोजन चंद्र तो जनि दिल विष्णोजन गोजरते धन जनि रोजन दिति सुत रोजन दुर्मुख भोजन गोजरते धन जय पैसा दुर्बर धनि रम्यक पर धनि चल सुते आय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब भन प्रिय वासनि आदरते शिरोमणिकुन्दरिमालय शृङ्गालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकेतवन्दनि केतवन्दनि रातरते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकमर्दनि जलसुते हरि शतकण्डविकण्डतरुण्डविदुण्डतुजुण्डकजाधिपते त्रिभुगजकण्डविदारणतन्त्रपराक्रमचुण्डमृगाधिपते निजभुजदण्डनिपादितकण्डविपादितमुण्डमृगाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकमर्दनि जलसुते हरि रथ दुर्मधुकण्डमदोदत दुर्धरविर्धर चक्षुपते चतुर्विचार दुरेण महाजिवदूतकृतप्रमदाधिपते दुरित दुरेह दुराशय दुर्मति दानवदूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकमर्दनि जलसुते हरि शरणागत धैर्यमधुबरवीरबरावयदायकरे त्रिभुवनमस्तकचूरविरोधिचिरोधिकृतामलचूलकरे दुमि दुमि तामर दुन्दु विनादमोमुखरे कृतप्रेमकरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकमर्दनि जलसुते आयिन धूम्रमात्रनिराजितधूम्रविलोचनधूम्रदुले समरति चोजत चोनितबीजत मधुभवचोनित बीजलते शिव शिव चुम्बन चुम्बमावतर्गितभूतविचारते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकमर्दनि जलसुते धनुरङ्गरङ्गम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 रङ्
लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है।
अक्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणि श्रीरंगे हरणि शम्मया दासयमिति माम क्षमस्व परमेश्वरि आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जन पूजां देव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि अपराधशतं कृत्वा जगतं वेति चोदरेत् जाङ्गदिन्दमवाप्नोति न तां ब्रह्मादयासुरास्वां जगतं दिगे सर्वञ्जन्यां देवी प्रसीदा परमेश्वरि कामेश्वरि जगन्मातः सच्चिदानन्द विग्रहे ज्ञानाचारिणां विद्या प्रसीदा परमेश्वरि शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे द्रव्य की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तिजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बंधु वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें इस जगजन्य जगत माता का बुलावा होता है और इस प्रकार से इस माँ जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के उन भक्तों को माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ की भक्ति करने का, माँ से प्रार्थना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है।
माँ की कृपा होती है तो भक्त के हृदय में ऐसे ही सद्विचार उत्पन्न होते हैं, हम सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, तीर्थाटन करें, दीन दुख की सेवा करें, परोपकार करें, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए चलें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से माँ के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से फिर भक्त जन जो है इसी तरह से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्म कर्म करते हुए वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनका यह लोग भी जो है वह कल्याण को प्राप्त होते हैं और उनका परलोक भी जो है कल्याणमय हो जाते हैं, सुखमय हो जाते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बोध चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसमें जगजन्य जगत माता की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की पूजा, माँ के नाम का जप जो है, माँ की भक्ति, माँ का दर्शन जो है ये अवश्य करना चाहिए। जिस सत्कर्म करने से ही मनुष्य के पापों का नाश होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन जो है आत्म शांति जो है बनी रहती है, उनके जीवन में किसी प्रकार के कोई विघ्न बाधा नहीं आते, कोई क्लेश नहीं आते हैं और माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उनके जीवन में सदा सर्वदा मंगल मंगल होता है। परमात्मा ने मानव को ही ऐसी शक्ति दी है कि मानव अपनी शक्ति और बुद्धि का सहयोग कर सकता है, वह इस शक्ति और बुद्धि का जो है उपयोग भगवान के लिए करता है तो वह मृत्यु से पहले ही जो है भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यदि शक्ति और बुद्धि का ठीक प्रकार से मानव जो है वह प्रयोग करते ही तो जो जीवन रहते हुए जो है मृत्यु से पहले ही वह भगवान का साक्षात्कार जो है वह कर सकते तो उसका दर्शन उसे प्राप्त होते ही। प्रायः मानव जो है अपनी बुद्धि का उपयोग जो है ये धन की प्राप्ति के लिए करता है। आप स्वयं यदि विचार कर देखें कि प्रायः मनुष्य जो है अपनी बुद्धि को जो है धन कमाने में, धन कैसे अर्जित किया जा सके उसमें लगाता है और शक्ति जो है भोग भोगने में। प्राय यही होता है कि बुद्धि और ये शक्ति जो है इसका जो संयोग नहीं कर पाता है, ये बुद्धि और ये शक्ति जो प्राप्त हुई है वो देव कृपा से जो है ये परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ही ये प्राप्त हुई है। शक्ति और बुद्धि परमात्मा के लिए ही, ये दोनों मनुष्य देह जो है, ये मनुष्य शरीर जो है ये बड़ा ही दुर्लभ है और इसी में आकर के मनुष्य जो है ये धर्म कर्म कर करके जो है अपना कल्याण कर सकते हैं। और कहते हैं कि जो इस प्रकार से ऐसा नहीं करता है तो ऋषि मुनि जो है उसे जो है आत्मघाती कहते हैं, संत जो है उसे आत्मघाती कहते हैं जी, क्योंकि मनुष्य शरीर में जो जीव जाकर के ये धर्म कर्म नहीं कर सकता। आप किसी पशु को आप कहेंगे, जब बिल्ली होती है बिल्ली को कहेंगे कि आप धर्म कर्म करो तो वह कैसे करेगी, क्योंकि उसका स्वभाव, क्योंकि पशु जो है वह अपना स्वभाव जो है वह नहीं बदल सकता, परंतु मनुष्य जो है वह अपने स्वभाव को बदल सकता है। यही शक्ति जो है परमात्मा की जो मनुष्य को प्राप्त हुई है और उससे जो है इस प्रकार प्रभु के दर्शन के लिए जो है मनुष्य को जो है ये प्रयत्न जो है करना है, उसे भले ही परमात्मा के दर्शन ना हो पर जो है उसका मन जो है जो भक्ति करने से, भगवान की आराधना जो सत्कर्म करने से उसका मन जो है वह सुधरता है और उसे जो है आत्म शांति, आत्म सुख जो है ये प्राप्त होते ही। जब इस प्रकार से भक्ति करते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं तो आत्म शांति, आत्म सुख जो ये तो अवश्य मिलता ही मिलता है। उसका परलोक, उसका जो मन जो है ये सुधरता है। संसार का एक निजम है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है और जो मर्यादा को छोड़ करके जो है वह इस प्रकार से सुख भोगते हैं उसे दुख जो है भोगने पड़ता है। जो मर्यादा में रह करके सुख भोगते हैं उसके जीवन दुख नहीं आते। आप देख लेना है, ऐसे लोग जो मर्यादा में रहते हुए इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते, धर्मानुकूल कर्म करते हुए इसको वह सुख को प्राप्त होते हैं, वह निरोगी जीवन जीते हैं, उनके घर में कोई क्लेश कोई कलह नहीं होती है और वहां पर हमेशा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है और वह लोग जो है पूर्ण आयु का भोग करते हैं। इस प्रकार से ये फल होते हैं जो मर्यादा में रह करके सुख भोग करते हैं और जो मर्यादा
का त्याग कर करके सुख भोगते हैं तो उनके जीवन निश्चय जान लीजिए कि दुख आएगा ही आएगा, उसे दुख जो है वह भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से जो उसे दुख भोगना ही पड़ता है, स्वर्ग में जो है देव हमसे जो है अधिक सुख भोगते हैं। स्वर्ग में देवता लोग जो है जे हमसे अधिक सुख भोगते हैं और वहां पर जो बुढ़ापा नहीं है, सुख ही सुख है, परंतु उनको आत्म शांति नहीं है। आत्म सुख जो देवता को नहीं है, क्लेश है, कला है, द्वेष है। इस प्रकार से देवता जो है उन्हें शांति नहीं मिलती है, और शांति तो हो परमात्मा के दर्शन से मिलती है। देवता इच्छा करते हैं कि उन्हें भारत में जो है जन्म मिले, क्योंकि भारत जो है ये भक्ति भूमि है। जिन पर आकर मनुष्य देह में ही आकर के जो है जब मानव जो है ये भक्ति कर सकते हैं, आप देवता कहें बस भक्ति कर सकते हैं, ऐसा नहीं। स्वर्ग में जो है जे गंगा, जे जमुना, जे सरस्वती, जे नर्मदा, जे संत मुनि महात्मा, जे सत्संग, जे भपन नहीं होता। ये जहीं पर होते हैं और जहां पर जो है जे जब पुण्य अर्जित करता व्यक्ति तो उसका सुख क्या होता है, स्वर्ग भोगता है, और स्वर्ग में पुण्य समाप्त होती है, फिर उसको इस धरातल पर जो है जे आना पड़ता है। इसलिए जहाँ सभी जो है वहां जो है भोगी जीव है, स्वर्ग जो है जे भोग भूमि है। स्वर्ग जो है ये भोग भूमि है, और जो है देव भक्ति जो है वह नहीं कर सकते हैं। भक्ति मानव शरीर से ही होती है, इसलिए मानव शरीर जो है मानव शरीर की जीव विशेषता की मानव जो है यही विवेक से सुख भोग करें, और जब भक्ति करें तो जो है उसका भोग और जो भगवान उसे भोग और भगवान जो दोनों मिल जाते हैं। यदि इस प्रकार से वह अपने विवेक द्वारा मर्यादा में रहते हुए जो है विवेक से जो है सुख भोग करें और भक्ति करें तो उसे जो है जहीं पर जो है दोनों सुख की प्राप्ति होती है, उसे संसारिक भोग भी प्राप्त होते हैं और अंत में वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेते हैं। जिस जगजन्य के चरण में बैठे हुए हैं जय मां भगवती जो है यही धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली यही मां भगवती जगजननी है जी। इसकी जब कृपा होती है, माँ की कृपा होती है, तो जय भगवती जो है भक्तों को धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि देती है, ज्ञान देती है, विवेक देती है, और इसकी कृपा जब धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि जो है वह प्राप्त हो जाती है, फिर तो व्यक्ति अधर्म की ओर देखता भी नहीं। अधर्म कर्म जो है क्योंकि उसको कभी कोई बुरे विचार आते ही नहीं है। जब माँ की कृपा से इस पर धार्मिक मति धार्मिक ज्ञान धार्मिक बुद्धि जैसे प्राप्त हो जाती है तो ये धर्म अर्थात धार्मिक मति धार्मिक बुद्धि देती है, अर्थ धन लक्ष्य को देती है, और माँ की कृपा से देने धन लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उसका धन जो है अच्छे कार्य में लगता है, कभी बुरे कार्यों में नहीं लगता। इसकी कृपा से धन लक्ष्य की जब प्राप्ति होती है तो धर्म अर्थ काम और फिर उस धर्म जो है धन लक्ष्य का संयोग करता हुआ वह अपनी कामना को पूर्ण करता है, अर्थात इस प्रकार से सारे सुखों को वह प्राप्त करता है, फिर अंत में मोक्ष। इन चारों पुरुषार्थों को देने वाली यही माँ भगवती है जिसके चरण बैठे हुए हैं। इस माँ की जब कृपा हो जाती है, माँ का आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हो जाता है, उनके जीवन कभी किसी प्रकार की कोई कमी रहती नहीं। वह भक्तजन जो भी चिंतन करते हैं, जो भी मन विचार करते हैं, उनकी वह समस्त मनोलक्षित कामना जो है वह पूर्ण होती है, और फिर वह जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति जो है वह बढ़ती है और उनके सब कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसे भक्त जो है जहाँ भी जाते हैं उनके कार्यों में कभी विघ्न नहीं आती है, कोई बाधा नहीं आती है, और ऐसे भक्त जो है मिट्टी को हाथ लगाते हैं वह भी सोना हो जाती है। ऐसी कृपा माँ की जो है उन भक्तों पर होती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। इस प्रकार से कहा है कि जब करने से, कथा सुनने से, सत्संग से जो है स्वभाव जो है ये सुधरता है। अपने विचार जो है विचार पवित्र होते हैं, मन पवित्र होता है, मनुष्य की सोच जो बदल जाती है। ये नाम जब करने से, कथा श्रवण करने से, सत्संग करने से, भगवान की भक्ति करने से, और भक्ति करने से जीव में जो है परमात्मा के सद्गुण जो है ये आते हैं। उसमें सत्व गुण की वृद्धि होती है, सद्गुण जो है वह आते हैं, और मानव का स्वभाव ही ये सुधरता है। जिसका स्वभाव सुधरता है उसे जो है मृत्यु से पहले ही मुक्ति मिल जाती है,
वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए यही एक रास्ता है, यही एक मार्ग है भक्ति का जो है। इस प्रकार से वह ग्रस्त में रहता हो सकते हैं और भक्ति करता हुआ वह घर ग्रस्त जरूरी। इसके प्रति जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, तो यकीन मानिए भगवान की कृपा होती है और भगवान कहीं दूर नहीं होती है, वह आपके साथी है। वह हृदयेश्वर आपके हृदय में बैठे हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है। बस आपकी भक्ति यदि फलीभूत होगी तो आपके सामने प्रत्यक्ष जो है वह खड़े हो जाएंगे, आपके सामने एकदम आ जाएंगे। कहते कि समय की बात है, ये व्यक्ति जो था उसके मन विचार आया कि मैं भक्ति करूं, तब करूं। बड़े बड़े संत महात्मा तब करते हैं, भगवान का साक्षात्कार तो होता है, जीवन में चमत्कार होते हैं, भगवान आते हैं, वह पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और वैसे ही साध्य की ऐसी साधना होनी चाहिए, ऐसी भक्ति होनी चाहिए, वह भगवती स्वयं आके पूछे कि बेटा तो चाहता क्या है, ऐसी भक्ति हो। तो जो है उसके मन में ऐसा विचार आया, घर गृहस्थ का त्याग किया, धन संपत्ति का त्याग किया, परिवार का त्याग किया और जो है वन की ओर प्रस्थान कर लिया। वन में जाकर तब करने लगा, आप जो है हाथ में करमंडल ले लिया, माला ले ली, इस प्रकार से चोला पहन लिया और चलते चलते इस प्रकार से वन में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। बड़ी बड़ी जटा हो गई, बहुत लंबी दाढ़ी हो गई और ऐसा स्वरूप हो गया, परंतु कोई चमत्कार हुआ नहीं। 12 साल बीत गए, कोई चमत्कार हुआ नहीं। तब विचार करने लगा, देखो अपने गृहस्थ का त्याग किया, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का, धन संपत्ति का, सब कुछ त्याग करके मैं वन में बैठा किस लिए? भगवान के लिए। भगवान आएंगे, मुझे दर्शन देंगे और चमत्कार होगा मेरे जीवन में, पर अभी तक कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। अब जो इतनी इतनी जड़ा भी हो गई, दाढ़ी भी इतनी लंबी हो गई, 12 वर्ष बीत गए, तब तक जो है कोई उसकी कृपा नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ जो तब करने का। अब जिसने सोचा कि चलो फिर वापस चलते हैं, फिर वापस चलते वहीं पर जो है कोई लाभ नहीं है वन में बैठने का। तब जो है संत महाराज उठे, अपने करमंडल उठाया और वापस चल पड़े। जैसे ही वहां से अपने स्थान से उठे और वापस की वापसी की ओर मुख करते हैं, तो सामने एक बालक के रूप में भगवान साक्षात प्रकट हो जाते। बोलो सच्चे दरबार की जय। नन्हा सा बालक है, छोटा सा बालक जो है बाल रूप में भगवान जो सामने आते हैं और कहते हैं महाराज कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा कि अपने घर जा रहा हूँ। कहाँ घर आपके? स्थान बतलाया कि उस नगर में मैं रहता हूँ। ठीक है, इकट्ठे चलते हैं, दोनों चलते हैं, मुझे भी उसी नगर के पास ही जाना है। अब दोनों जो बालक और जो है संत महाराज जी चल पड़े। अब चलते चलते रास्ता तो लंबा था, अब जो पैदल रास्ता था कोई साधन थे नहीं, तो चलते चलते सायंकाल हुआ तो एक नगर में पहुंचे। वहां एक नगर सेठ थे। नगर सेठ जो थे वह हमेशा अतिथि सेवा किया करते, कोई संत महात्मा मिले उनकी सेवा करना, उनका आदर करना, इस प्रकार उनका मान सम्मान करना। आज जो है उनको जो ऐसे संत मिले, इतनी बड़ी बड़ी जाटा है और एक जो है बालक मिला है। और उन्होंने सोचा कि जो आए हैं, सायंकाल हो चुका है, कहाँ जाएंगे? तो उस सेठ ने उनसे प्रार्थना की, महाराज अभी रात्रि होने वाली है, आप मेरे घर में रुकी, मेरे घर में रुकिए, मुझे सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो संत ने कहा ठीक है। आज जब दोनों जब बालक भी और संत महाराज जी और सेठ के घर में जा पहुंचे, बड़ा स्वागत किया, बड़ा स्वागत किया उन्होंने जो है। संत महाराज ने उनके चरण धोए हैं दोनों के, क्योंकि अतिथि सत्कार का यही विधान होता है, उनका मान सम्मान करें। चरण धोए हैं उनको, जो तिल किया गंध पुष्प प्रकार से, उनका पूजन किया, आसन दिया, बैठाया, भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन की जब व्यवस्था हुई तो कहते हैं कि सोने के बर्तन, सोने के बर्तन में जो है भोजन परोसा गया। आप दोनों ने भरपेट जब वहां पर भोजन किया, बड़े संतुष्ट हुए। और फिर रात्रि की व्यवस्था सोने की, बढ़िया जो है गद्दे जो है फर्स्ट क्लास जो है, इस प्रकार से पूरी व्यवस्था थी। आप भोजन किया, भोजन करने के उपरांत जो बालक ने वहां से एक सोने की कटोरी जो थी वह चुरा ली। संत महाराज जी देख रहे थे परंतु बोले कुछ नहीं, चुप रहे। रात बीती, अब जो रात बीती तो जो है अब जो है प्रातःकाल हुआ, फिर वहां से वे चल पड़े। अब वहां से चले दूसरे नगर में पहुंचे, जब दूसरे नगर में पहुंचे सायंकाल हुआ, अब किसने पूछा नहीं, किसने स्वागत नहीं किया कि आप जहां पर रुको
किसने पूछा नहीं तब क्या करें, तो बालक ने कोई बात नहीं, किसने हमारा स्वागत नहीं किया तो कोई बात नहीं, ये खेत खलिहान है जहां पर रात को सो जाएंगे। अब जब खेत में जो है जाकर के भाई उन्होंने विश्राम किया, रात को रात बिताई, प्रातःकाल हुई और जो है वह सोने के कटोरी से बालक ने वहीं पर रख दी। संत महाराज जी देख रहे थे, बांस से उठा ली, बांस से चुरा ली, जहां रख दी, ये बालक है कौन, परंतु कोई पूछे नहीं, कोई बात पूछे ही नहीं। अब जो है बांस से चल पड़े, अब प्रातःकाल हुआ, बांस से चले तो जो है अब आगे पहुंचे तो गंगा तट के किनारा था, लोग वहां पर स्नान कर रहे थे। अब गंगा के उस पार उन्होंने जाना था, सामने खड़े बहुत सारे लोग जो है वहां स्नान कर रहे हैं और वहां पर राजा के मंत्री का पुत्र जो है वह भी वहां पर स्नान करने के लिए आया था, नौजवान था। अब जो है जैसे वह स्नान करने के लिए उस नदी में जो है गंगा में जो है प्रवेश किया तो जड़ से बालक दौड़ता हुआ वहां पर गया और उसे गर्दन से पकड़ा और बीच जल में डिबो दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। उसको तो सीताराम हो गया। अब जो है अब संत महाराज जी बोले कि मुझे ये बतलाओ कि आप हैं कौन, भांस मेरे साथ चले थे, मैं आपको जानता नहीं। और उस नगर सेठ ने हमारा इतना स्वागत किया, रहने के लिए कितनी व्यवस्था की, खाने के लिए सोने के बर्तनों में हमें भोजन करवाया, आपने वहां पर चोरी कर ली। फिर दूसरे नगर में हमारा किसने स्वागत किया नहीं और जो है वहां जो है हमें खेत में रहना पड़ा और प्रातः काल जो सोने की कटोरी को आप वहीं पर छोड़ आई, जब चुराई पर छोड़ी क्यों। तब जो है अब जहां पर खड़े थे, अब जब बालक नौजवान नहा रहा था तो इसने क्या बिगाड़ा था आपको, इसको आपको डुबो दिया, मार दिया। तब जो है आप हैं कौन, पूछते हैं मुझे ये बतलाइए अब हैं कौन। कहते कि उस समय भगवान ने उसे चतुर्भुज रूप में साक्षात दर्शन दिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो उन्होंने पूछा कि आपने वहां से कटोरी क्यों चुराई, दूसरे खेत में जहां वहां रखी क्यों, इसको क्यों मार दिया आपने। तो उसने कहा देखो पहली बात तो आपकी 12 वर्ष बीत गए आपको वहां तब करते हुए, परंतु आपको विश्वास नहीं था, तब किया क्योंकि जो कर्म करता है व्यक्ति उसका उसको फल मिलता ही मिलता है, भगवान कहीं दूर नहीं है, भगवान तो कण कण में सबके हृदय में विराजमान है। जब तब संपूर्ण होता, संपूर्ण होने भी आया तो आपने हिम्मत हार दिया, अब चल पड़े, वही समय था। लेकिन एक क्षण के लिए आपने अपने बुद्धि के विचार बदले तो ये परिस्थिति हुई, आप त्याग करके वहां से चले और उसी का फल है वो संत महाराज जो है नगर सेठ ने हमारा इतना स्वागत किया और वहां पर सोने की कटोरी जो मैंने इसलिए चुराई कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मर्यादा में रहना चाहिए, ठीक है मेरी कृपा है उस पर, परंतु उसका ठीक प्रकार से प्रयोग करें। आज एक सोने की कटोरी उसकी वहां से चुराई है, पूरे बर्तन नहीं तो एक कटोरी से उसकी जान निकल गई होगी, द्वारा ऐसा नहीं करेगा। और जिस खेत में हम रहे वहां नगरवासी सोचेंगे महाराज कोई अतिथि आए थे, किसने स्वाद नहीं किया। और खेत का मालिक जब आएगा प्रातःकाल देखेगा जी मेरे खेत में रहे और जहां पर सोने की कटोरी जो छोड़ के गए, हम उनका स्वागत करते न जाने किस प्रकार से हमारा भाग्य बदल जाता और भगवान फिर किस रूप में कहां पर कैसे मिल जाए किसको। तब जो है इसलिए अब जो है जे बालक मंत्री का बालक जो है राजा का एक ही बालक है, एक ही बेटा है जो उत्तराधिकारी है और मंत्री जो है उसको मारने की योजना बना रहे हैं कि राजा के पुत्र को मैं मरवा दूंगा और मेरा पुत्र जो है मैं राजा का पुत्र ही उसे सौंप दूंगा तो मेरा पुत्र जो है राजकुमार होगा अर्थात राजगद्दी जो इसे प्राप्त हो जाएगी, इसलिए जो अनर्थ करने वाला था। और जिस मंत्री का जो पुत्र जो है जिसका पुता जो है इतना अनर्थकारी है कि राजा के पुत्र को मारना चाहता है उसने योजना बना दी है और जो है इसका पुत्र जो है क्या करेगा अनर्थ करेगा प्रजा को दुख देगा, इसलिए इसी को मारना उचित है, इसलिए मैंने इसी की जीवन लीला समाप्त कर दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये कारण था। हम जो है भक्ति करते हैं पर फिर कहते हैं महाराज कोई चमत्कार हुआ नहीं, देखिए आपका जो है धर्म है कि सत्कर्म करना, आप जो कर्म कर रहे हैं कर्म जो है आपका फल लेकर के आएगा, क्या फल लेकर के आएगा वे वो ही जाने, क्योंकि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में यदि है तो केवल मात्र कर्म,
कर्म करें, अच्छे कर्म करें। आप जो है जैसा उसने करना हो वैसा करें, और जो करते हैं उसी के चरण स्मर्त कीजिए। आपकी कृपा से ही जो मुझे लगन जो है आपके चरणों में लगी है। हे माँ, ये लगन जो लगी है ये आपने ही लगाई है, इसमें कोई मेरा बड़प्पन है कि मैं आपकी भक्ति करता हूँ, ऐसी बात नहीं। आपकी कृपा हुई, आपने मुझे चरण से जोड़ा, चरण से लगाया, तो मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ जी। आपकी साधना, आपका दर्शन मुझे प्राप्त होते हैं, आपकी कृपा मुझे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अब जो भी हो रहा है सब आपकी इच्छा से हो रहा है, ये आप ही कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं, मैं तो नमित हूँ। परंतु माँ, इसी तरह से मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों से दूर मत करना, चरणों से लगाए रखना, अच्छे कर्म करवाना, जो जिसमें मेरा भला हो वही करवाना, जिससे मेरी अच्छाई हो भलाई हो वही कर्म मुझसे करवाना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नरक में गिर जाऊं, ऐसी मुझ पर कृपा करना, जो प्रार्थना होती है। इस प्रकार जो साधु प्रार्थना करते हैं तो माँ की अवश्य उन पर कृपा होती है। जब माँ भगवती उन्हें ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान देती है, ऐसी कृपा करती है, अपने चरण से लगाती है, फिर तो माँ के दर्शन के बिना वह सद रहनी पड़ता, उसकी भक्ति बिना, उसके ध्यान बिना, हर क्षण हर पल जो है उसी का स्मरण जो है हृदय में रहते हैं। वह हृदयेश्वरी जो है उसके हृदय में बैठ करके सब कार्य जो अपने आप सिद्ध करती है, कहीं कोई विघ्न बाधा आती ही नहीं। बोलो सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ, श्री जयपाल से मांग के चरण एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सही भक्त संकीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना ताली भी जाते हुए श्री जयपाल। जयकारा शेरा वाली दल, बोल सच्चे दरबार की जय। मैया जी मेरा जी करदा, मैया जी मेरा जी करदा, आहा मैया जी मेरा जी करदा, चरनी लग के पाप हो जावा। अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें, आपके झोलिए भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली से बन महका मैं तेरे गुण गावा
फुलवारी विच मैया जी फुल बन महका मैं तेरी फुलवारी विच मैया जी फुल बन महका मैं तेरे गुण गावा हर वेले पंछी बन चहका मैं तेरे गुण गावा हर वेले पंछी बन चहका मैं बन बदल तुवारे बस जावा ओ बन बदल तुवारे बस जावा मैं मल मल तो मां तेरिया रावा सागर तू तार पार कर बेड़ी मेरी हम सागर तू तार पार कर बेड़ी मेरी हाँ तू कर मेरा उधर शरण आया मैं तेरी तू कर मेरा उधर शरण आया मैं रह जोश मदर्द अभिकारी और रहे जोश मदर्द अभिकारी दादी जी तेरे चरण कमल का पुजारी जयकारा शिरोवली जी का बोल सच्चे दरबार की सूरज है चमकता जब तक मां सूरज है चमकता जब तक मां तेरी पूजा करेंगे तब तक मां सूरज है चमकता जब तक मां तेरी पूजा करेंगे तब तक मां सूरज है चमकता जब तक मां तेरी पूजा करेंगे तब तक मां सूरज है चमकता जब तक मां तेरी पूजा करेंगे तब तक एक दिन तो तरस आएगा तुम्हें 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 तुम रूठी रहोगी
तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ तुम ममता का निर्मल सागर हो तुम ममता का निर्मल सागर हो तुम दादी माँ बड़ी दयालु हो तुम दादी माँ बड़ी दयालु हो तुम ममता का निर्मल सागर हो तुम ममता का निर्मल करुणा कभी नहीं सो सकती तू पत्थर दिल नहीं हो सकती पत्थर दिल नहीं हो सकती तू पत्थर दिल नहीं हो सकती एक हम ही पे आते माँ कब के खड़े एक हम ही पे आते माँ कब से खड़े एक हम ही पे आते माँ कब के खड़े हम ही पे आते कब के खड़े हो तेरा अमृत है पहुँचा तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ तेरे सच्चे ही माँ दरबारों से तेरे सच्चे ही माँ दरबारों से ओ तेरी दया के ही भंडारों से ओ तेरी दया के ही भंडारों हो तेरे सच्चे ही माँ दरबारों से तेरे सच्चे ही माँ दरबारों से हो तेरी दया के ही भंडारों से तेरी दया के ही भंडारों से हो मनवांछित खुशियाँ सबको मिली जीवन की गाड़ी सबकी चली जीवन की बारी सबकी चली जीवन की बारी सबकी चली ओ तेरे द्वारे पे धुनी रमाए हुए तेरे द्वारे पे धुनी रमाए हुए ओ तेरे द्वारे पे धुनी रमाए हुए तेरे द्वारे पे धुनी रमाए हुए चौथाली रहे हम अब तक सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ पूजा करेंगे तब तक माँ किस्मत के पड़े वो चाटे माँ किस्मत के पड़े वो चाटे माँ किस्मत के पड़े वो चाटे माँ किस्मत के पड़े तो चाटे हरे और बिखर गए कांटे माँ हरे और बिखर गए चाटे माँ तोड़ा ना तेरे चरणों से नाता
जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब तक माँ सूरज है चमकता जब तक माँ तेरी पूजा करेंगे तब 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 तक सच्चे दरबार की जय। जयकार शरवण बोल सच्चे दरबार की जय। जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है शंकर ध्यान लगायो है ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगायो है ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगायो है ब्रह्मा विष्णु खड़े तेरे द्वारे शंकर ध्यान लगायो है जय 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 जग जननी जय 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 तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है ओ शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो है कमल सिंहासन बैठी रे मैया कमल सिंहासन बैठी रे मैया ब्रह्मा रूप धरायो है ब्रह्मा रूप धरायो है माँ ब्रह्मा रूप धरायो है चार वेद मुख चार विराजे वेदों ने जगायो है चार वेद मुख चार विराजे वेदों ने जगायो है चार वेद मुख चार विराजे वेदों ने जगायो है चार वेद मुख चार विराजे वेदों ने जगायो है जय 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 जग जननी जय 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 जग जननी शरण तुम्हारी आयो है माँ शरण तुम्हारी आयो शरण तुम्हारी आयो
सिंहासन बैठी रे मैया, गर्व सिंहासन बैठी रे मैया, विष्णु रूप धरायो है माँ, विष्णु रूप धरायो है, गर्व सिंहासन बैठी रे मैया, गर्व सिंहासन बैठी रे मैया, विष्णु रूप धरायो है माँ, विष्णु रूप धरायो है, रंग चक्र विराजे वैजंती गल पायो है, शंख चक्र गद पद्म विराजे वैजंती गल पायो है, शंख चक्र गद पद्म विराजे वैजंती गल पायो है, शंख चक्र गद पद्म विराजे वैजंती गल पायो है, जय 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 जग जननी, 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 शरण तुम्हारी आयो है, बैल सिंहासन बैठी रे मैया, शंकर रूप धरायो है माँ, शंकर रूप धरायो, बैल सिंहासन बैठी रे मैया, बैल सिंहासन बैठी रे मैया, शंकर रूप धरायो है माँ, शंकर रूप धरायो है, जटा जोट सिर संग विराज मुंड मान बल पायो है, ओ जटा जोट सिर संग विराज मुंड माल जोट सिर गंग विराजे मुंड माल गल पायो है, शरण तुम्हारी आयो है माँ, शरण तुम्हारी आयो है, शरण तुम्हारी आयो है माँ, शरण तुम्हारी आयो है, शरण तुम्हारी आयो है माँ, शरण तुम्हारी आयो है, शरण तुम्हारी आयो है माँ, शरण तुम्हारी आयो है, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शरवण जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय, पावे हां कर दे पावे ना कर दे, पावे हां कर दे पावे ना कर दे, पावे हां कर दे पावे ना कर दे, हो पावे हां कर दे पावे ना कर दे, पावे ना कर दे पावे ना कर दे, आज जो भी करना है तू मेरी माँ कर दे, पावे हाँ कर दे पावे ना कर दे, पावे हाँ कर दे पावे ना कर दे, ओ पावे हाँ कर दे पावे ना कर दे, छोली बिच पा लवा तेरे कंडियां नू भी मैं चिन नाल लालवा, तेरे कंडियां नू भी मैं चिन नाल लालवा, तेरे कंडियां नू भी मैं चिन नाल लालवा, सुख देवे दुख
दुख देवे चोली बिच पालवा तेरे कंडिया नू भी मैं सिरे नाल ला लवा तेरे कंडिया नू भी मैं सिरे नाल ला लवा तेरे कंडिया नू भी मैं सिरे नाल ला लवा पावे धुप कर दे पावे छा कर दे पावे हां कर दे पावे ना पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास की आज से प्रविष्टि ही फाल्गुन शुक्ल पक्ष आज त्रयोदशी तिथि ही मंगलवार तदनुसार 19 मार्च सन 2019 के दिन प्रातः काल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीम अनुकंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं।
पुण्यात्मा ही जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का माँ भगवती जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भाने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भाने भवे भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पन्नरत सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्यम आविदात शुभमानम हीयते धनम धान्यम पशुम भूपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धान्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आपसे भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे संभल कर बोलना ताली बजाते हैं। ओम जय अम्बे मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल मैया जय आनंद तुम तो निषद न धावत मैया जी को निषद न धावत हरे ब्रह्मा शिव I'm
मैया नृत्य करत भैरो मनोरथ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय को सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय सच्चे दरबार की जय क्षमा कर अपराध शरण माया Oh, man.
में भटका घबराया उसके उपरांत माँ भगवत की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवत से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रिंस बोलो जय माता दी। संतल बोलो जय माता दी। सभी भक्ति जन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के महा से प्रार्थना करेंगे समर्पण कर भवन देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दशो देहि दशो देहि दशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्छे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्छे सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे सन्तो निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः क्रम देखे सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें और परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। रत्मे गुरु जी को वंदना Oh.
खड्गं चक्रगदेशुरापवर्षाञ्चोलं विशृणीञ्चुरासङ्गं सन्धरलिं तलिर्चलनं सर्वाङ्गभूषादतां नीलाश्वद्वजमासपाददशकां सेवे महाकालिकां जामस्तो सुविदेहरौकमलोहन्तुं मधुकेतवम् अक्षासर्पशुन्दरेशुगुलिशम् अर्वं धनुष्कुञ्जकां दण्डं शक्तिमसिन्धुधर्मजलजं काण्डां सुरावाजनं सोलं पाशुसुदर्शने ददर्शिं हस्ते प्रसन्नाजनां देवे देवमर्दनी महिमा लक्ष्मी सरोजस्तुतां घण्टाशूलहलानि शङ्खकुसुले चक्रं धनुसायकम् जगतामाधारभूतामः पूर्वामत्रदस्वति मन्वजे चुम्बालिचारिणी त्वमेव माता त्रिजा त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वामदेव देव शान्ताकारं मुरुगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं जोगविद्यातकं वन्दे विष्णुमवहरं सर्वलोकेन्द्रातं हरे मुदाये मदये कमाले गोविन्द गोपाल मकन्दकिशोरे जानं भजे सत्या ज्योता भाली माता तेरी सदा पंचपूला रानी माता तेरी सदा सर्वदा बला चंद्र वाली माता तेरी सदा सारे संसार विश्रांति देने वाली माता तेरी सदा पुनाच का माप करने वाली माता तेरी सदा गुफा बीच निवास करने वाली माता तेरी सदा रविंद्रा भी ठाग तेरी सदा सत्य धर्म की जय धर्म की जय धर्म का धर्म का धर्म का नानियों में विश्व का भारतवर महादेव शिदर की जय सनातन धर्म की जय गो माता की जय बोलो सत्य दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सत्य दरबार की जय सबकी मनोकामना पूरी हो जकारा शरण वाली दा महागौरी का स्मरण नमन
आशीर्वाद जो जो से शक्ति देनी है जो जो से ओम का जो शक्ति देनी है।